यहाँ रहूंगा ही नहीं मैं। अरे यहाँ थोड़ी रहोगे, तो जेल में रहोगे। बीवी प्रेग्नेंट है तो इस तरह का काम ही नहीं करना चाहिए था ना। अब देख के डर नहीं लगा कि पकड़ा गया अभी छोड़ देना चाहिए? मैं जेल ही था सर। तो जेल में टीवी में देखे हो? अरे भाई कितना लगता है एक मिनट का बात करने का? एक महीने का। महीने का 2000 लगता है बात करने का। और अभी रेड मारिए जेल में भी। मेरे को मार डालेंगे ना, मारेंगे डबल हो जाएगा। मारेगा सब क्या बोल? हेलीकॉप्टर बना के हेलीकॉप्टर ये बहुत तेज है, बदमाश है सबसे। तो मैं दूसरी बार की जेल की में रहने के लिए पहले से अग्रिम शुभकामनाएं। सामान है तुम्हारे पास तो गलती से आ गया था। गलती से नहीं आया, आया ही नहीं। पुलिस को तुम्हें देख के लगा कि तुम दोनों जो हो काम ये आया कहाँ से पहले ये बताओ? ये नागपुर से आया। नागपुर से आया तो इतना तो पता है तुम्हें। नागपुर नागपुर कभी गए हो घूमने? नागपुर घूमने गए हो? गए हो कौन से राज्य में? बस स्टैंड गए हो? बस से पकड़ के बस क्या करने गए थे नागपुर? सामान लाने नागपुर गए थे। कितने सच्चे सच्चे आदमी हो तुम। नागपुर सामान लाने गए थे, वहाँ कहाँ से सामान मिला आपको? ये सामान कहाँ से मिला? एक लड़का लाके दिया। लड़का लाके दिया, उस लड़के का क्या नाम था? नाम नहीं। तुम कैसे पहचाने वो लड़का? तुम्हें कैसे पहचाना? उससे कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस से? वीडियो कॉन्फ्रेंस तो? क्या बोलते हो उसको? मोबाइल कॉन्फ्रेंस। मोबाइल से भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस ही है वो। वीडियो मोबाइल कॉन्फ्रेंस। मोबाइल कॉन्फ्रेंस। अरे यार अच्छा साक्षी देते हो मोबाइल के थ्रू। तो तुमको कैसे, किस नंबर से फोन आया, कैसे मालूम चला तुम्हें? नंबर में किस नंबर में? अरे भाई हमेशा से पहले आ गए। तुम्हें बेवकूफ मैं ही मिला हूँ क्या भाई? पहली बार गए थे। पहले बार में पकड़े गए, ये गलती है ना। पहली बार में नहीं पकड़ना चाहिए, 8-10 बार करते, लोगों को खिलाते, लोगों को बीमार करते, लोग अपराध करते, तब तुम्हें पकड़ाना चाहिए था। मैं खुद पीता हूँ। इससे पहले भाई, इससे पहले भी पकड़ा चुका। मत करो यार, पकड़ा चुका सर इससे पहले। हाँ मैं खुद पीता हूँ। खुद पीते हो? कितना पीते हो डेली? डेली दो चार पुड़िया पी जाते हो। पीने में कैसा लगता है? गांजे जैसा। गांजे क्यों नहीं पीते हो फिर? ये क्यों पीते हो? गांजा तो सस्ता है। गांजे का थोड़ा अलग। क्या अलग है इसका? इसका क्या अलग है? थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है मुझे बताओगे? इसको पीते तुम हो? इसको ये भी पीता है। तुम तो बताओ यार। चलो ठीक है, नहीं पीते हो तब क्या होता है? इसको नहीं पियो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो फिर क्यों पीते हो? गलती हो गया ना सर, आदत हो गया। शंकर नगर भी मिलता है, ले लेके लाग लेते पीते हैं। पीने तो एक चीज है, नागपुर से लाना तो गलत है ना। पहले भी जेल गए हो सुना मैंने? हाँ वो किस चीज में जेल? अब अरे अब सेकंड बार हो गया। दो बार जेल गए होते हो, थर्ड बार बोल देते। तुम्हारे जैसे ढीठ और बदमाश, तुम्हारी पहली बार काउंसलिंग नहीं हुई थी ना मेरे से, इसलिए दूसरी बार हुआ है। अभी तुम्हारे दिमागी इलाज भी मैं कर दूंगा, तो उसके बाद तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वादा भी चले गए हूँ सर, मेंटल हॉस्पिटल भी चले गए हूँ। अरे भाई तब भी तो ठीक नहीं हुए ना मेंटल के बाद भी। सही इलाज तो मेरे पास ही मिलेगा। कहाँ गए थे मेंटल हॉस्पिटल? देवादा गए थे इलाज के लिए। कितने दिन रहे देवादा में? 25 दिन। कोई असर नहीं हुआ? कब गए थे इलाज कराने? अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले गए? 2 साल तो फिर यही काम कर रहे हो। तुम बताओ भाई कहाँ, नाम क्या है? काशी निशान। काशी, तुम कब से पीते हो ये सब? मैं ज्यादा दिन नहीं हो रहा सर। कितना दिन हुआ? न्यूकमर हो तुम? तुम तो नए? 6-7 महीना हो रहा। 6-7 महीना तो बिल्कुल नया है, सही बोल रहे हो। बड़े फट के से गया ये कपड़ा? कंधा गिरी। तो तुम भी नागपुर गए थे लाने? नहीं गया। तो ये बताओ, ये लेके तो ये आया, तुम कहाँ फंस गए इसमें? मैं थोड़ा बैठ गया, वो उसी में फंस गया। बैठ गए? कहाँ बैठे? घर में। तुम्हारे घर में लेके आया ये? मेरा घर में नहीं, मामा के घर में। मामा के घर में? मामा नहीं है, इसका मामा। इसके मामा उसके घर तुम गए थे? हाँ। और तुम फंस गए? हाँ। क्यों गए थे मामा के घर?
इसका भी आधा सामान था, आधा सामान इसका भी था। अरे सात पीस था मेरा, सात पीस था तुम्हारा, इनका कितना पीस था उसका नहीं पता। तो सात पीस तुम्हारा, सात पीस लागे क्या करते तुम? पीता मैं भी, पीते पीता है, ये भी पीता है, बेचने का काम तुम करते हो, पीते बेचने का काम ये करता है। नहीं तो कितना तो कैसे ही पी जाते तुम? ये कितने का लेके आए नागपुर से तुम? ये तो 40,000 40,000 का लाए और 25,00,000 में बेचोगे? अरे भाई 25,00,000 कितने बेचोगे? 250 में बिकता है सर, 250 में एक पुड़िया, 250 में एक पुड़िया, कितना 250 पुड़िया है ना भाई, 250 को 250 200 बिकता है तो 250 25,000 में बेचते तो पता नहीं है, उतना नहीं मिलता था। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, नागपुर जा रहे हो लाने के लिए अपने पीने के लिए, कहानी सुनाते हो मुझे? कैसे समझाऊं सर, अब कोई तो भरोसा नहीं कर सकता, पकड़ा रहे भाई। तुम जो सच बोलोगे ही नहीं तो कौन भरोसा करेगा? तुम वहाँ लाते कैसे थे? यहाँ से नागपुर जाते थे, नागपुर में कैसे मिलता है तुम्हें ये? नागपुर से बस से, नागपुर बस से गए, बस स्टैंड उतरे, फिर सामने वाला कॉल किए, सामने वाला कॉल किए, नंबर कहाँ से मिला उसका, नंबर कैसे मिला? सामने वाला दे दिया, सामने वाला मतलब बुलाया, यहाँ पहुँच गया लड़का करके। हाँ सामने वाले तो इतना थोड़ा लाने के जाते थे लाने के लिए तुम? पिछली बार जेल गए थे कितना दिन रहे थे जेल में? 8 महीने 7 महीना था सर। इतने के बाद भी तुम सुधर नहीं रहे हो, तुम्हारे कारण इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे नहीं तो भी तुम कितने लोगों को जानते हो तुम यहाँ पे जो पीते हैं? ये पीते लेते बेचते हो उसको भी जानता हूँ सर। कितनों को जानते हो? एक एक करके पूछेंगे, कितनों पीने वाले कितने लोगों को जानते हो? पीने वाले को 100 200 500 1000 आधा दुर्ग, आधा दुर्ग ऐसे मत बोलो भाई। नहीं 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 आधा दुर्ग मत बोलो, सबको नहीं बोल रहा हूँ, आधा दुर्ग है। आधा दुर्ग है, तुम्हारा दिमाग फिर से मेंटल हॉस्पिटल को जाने की आवश्यकता है। दुर्ग की आबादी पता है कितनी है? कितनी है आबादी दुर्ग की? इसीलिए तो 17,00,000 आबादी है। तो आधा मतलब बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं तुम्हारे हिसाब से। और बेचने वाले कितने हैं? बेचने वाले कितने हैं? बेचने वाले कम से कम दुर्ग में 10-12 होंगे। कौन कौन है एक-एक नाम बताओ, पहला बताओ। 10,00,000 लोगों को पिलाने के लिए लोग जा चीज, अरे इधर आ जाओ जो पूछ रहा हूँ फिर बताओ कौन कौन है? 10-12 नाम बताओ फटाफट फटाफट। मोंटू वो कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर। और कौन? चुनचुन उसका भाई, चुनचुन उसका भाई, वो भी शंकर नगर। तीसरा बिना इलाज दिमाग पे जोर डालो। हाँ आगे बताएं। निक्की वो कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर का। और दीपेश वो कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर का। और संतराबाड़ी या शंकर नगर संतराबाड़ी। और अरे 12 आदमी तो 10,00,000 लोग को यदि खिलाना है तुम्हारे हिसाब से तो खिलाने वाले लोग भी उतने चाहिए भाई। वाला नहीं था, इन लोग की बेचते सर। तो नाम तो पूछ रहा हूँ, नाम बताओगे तब ना। बताया तो था सर। क्या तो इतने तुम बताओ, इतने लोग याद नहीं आ रहे ना सर। कोई बात नहीं, रिलैक्स करा देंगे। पुलिस का रिलैक्स इतना रिलैक्स हो जाता है, ऊपर से नीचे तक रिलैक्स हो जाओगे। सोनू कौन है? बड़ा भाई मौसी लड़का है, वो भी यही काम करता है, वही करवाता है। कितने लोगों से करवाता है वो? अब मेरे से करवाता था, पता नहीं बाकी दूसरे से करवाता है। कब से करवा रहा है तुमसे ये? ये तो छूटा उसके बाद से। जेल था वो है? जेल में कितने दिन रहा सोनू? सोनू तो अभी भी है जेल में ही है। देखो वो जेल चला गया, उसके बाद तो सुधर जाते हैं सर। वही बस बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है इलाज कराने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी ये बेचना शुरू कर दे।
मम्मी खत्म हो गया सर, उसके कारण हो गया पैसा कारण हुआ है, पैसा नहीं मिला समय। समझ गया मैं, जिसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो चाकू लेके वसूली शुरू कर देगा, वो ये ब्राउन शुगर का काम शुरू कर देगा, वो गांजा का काम शुरू कर देगा। किसको कहानी सुनाते हो तुम? नहीं सर, जेल गए उसके बाद भी नहीं सुधरे। इनसे डिटेल में लीजिए कौन कौन लोग करते हैं, ठीक है, सबको पकड़ने। हाँ हो गया सर, वो तो गया ही। फिर जेल में जैसे बच्चा 9 महीने में निकलता है ना, पहली बार 9 महीने में निकले, अब फिर सेकंड टर्म निकलोगे? यहाँ रहूंगा नहीं मैं। अरे यहाँ थोड़ी रहोगे, वैसे जेल में रहोगे तुम यार, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम? तुमको कोई दूसरे जेल में जाना है क्या? टेस्ट तो दूसरे जेल भेज देते, ट्रांसफर करके जेल में। कौन से जेल में रहोगे बताओ? बहुत बेकार जगह है। बेकार क्यों है? क्या खराबी है जेल में बताओ जरा, एक दो तीन खराबी बताओ। जेल में पुड़िया मिलता है नहीं मिलता है? ये जेल में ये मिलता है नहीं मिलता है जेल में? हाँ अभी कोशिश करें कुछ पैसा वैसा दे तो नहीं मिलता। तो जेल में 9 महीने रहे, मतलब आधा छूट जाना चाहिए था। 9 महीने तुम जेल में रहे, 8 महीने तो इसकी आदत तो छूट जाना चाहिए था। हाँ छूट गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर चालू हो गई। बाउंसर से लेता था, बाउंसर भी करता है। हाँ उसका नाम भूल गया था। ये बाउंसर कौन है? बाउंसर कहाँ रहता है? ये अपने राजू में घर। अभी दी वो पकड़ाया है ना चिचोला बॉर्डर में, अभी चिचोला बॉर्डर। क्या नाम है उसका? प्रदीप ठाकुर। वो क्या क्या तस्करी करता है? छोड़ देना चाहिए। मैं जेल में था सर। सर जेल में टीवी में देखे हो? अरे भाई तब तो निकल हो रहा है, हंसी है तुम्हें? तुम्हें लग रहा होगा तुम मूवी स्टार बन गए? नहीं नहीं, अगली बार कोई डॉक्यूमेंट्री बनवाओगे तुम अपने ऊपर? बदनाम हो गए ऐसा? इतना काम किए तो कोई बदनामी नहीं हुई, आज बदनाम हो गए तुम। काम नाम वाला करोगे तो नाम मिलेगा, काम ऐसा करोगे जहर लोगों को बांटोगे तो फिर नाम कैसे मिलेगा? तुम्हारे कारण हजारों युवक जो है वो इसके आदि बन रहे हैं, उनका पूरा करियर खत्म हो रहा है। भिलाई में चितरा देती है बंडल लाती कहाँ से है वो चित्रा? वो पता नहीं वो कहाँ से लाती, हम लोग लेने जाते थे। ऐसा वहाँ से मुझे जैसे हम लोग पास नहीं थे तो नहीं था तो इमरजेंसी में वहाँ भागते थे। उसके बाद हमेशा रहता था क्या? एनी टाइम रात में 3 बजे जरूरत पड़ी तो 3 बजे दिन में शाम तक जो है सच बता दिया। अरे सच तो बताओगे भाई, झूठ बता के क्या उखाड़ लोगे मेरा? जब पकड़ ही लिया मैंने तुम्हें, तुम्हें उसमें पूरा डिटेल लिखा है क्या क्या बोला उसमें? अरे डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा तुम्हें, इतने लोगों ने कभी वीडियो बनाया तुम्हारा पहले कभी? जेल में जाना तो देखना यूट्यूब पे, ठीक है सर? इससे पूछिए कि स्कूल कॉलेज जो है जेल में, स्कूल कॉलेज में सप्लाई होता है सर, तो इसका कोई नेटवर्क है क्या? स्कूल कॉलेज में बेचते हो क्या तुम लोग? स्कूल कॉलेज कॉलेज के बच्चे लेते हैं क्या? कॉलेज के बच्चे कॉलेज वाले क्या लेते हैं? नहीं पता। तो कैसे लोगों को तुम देते हो जो तुम्हारे खरीदते हैं? किस हमारे तुम्हारे टाइप का? किस टाइप के हो तुम लोग? किस टाइप के हो तुम लोग? अभी बता दो हमारे टाइप के, टाइप बताओगे ना अपना, कौन से सैंपल हो तुम लोग? स्कूल कॉलेज वाला कोई कोई नहीं लेता। कौन मंगाया था? सोनू सरदार है? सोनू सरदार मंगाया था ना माल, तो जेल में है ना सोनू? जेल से ही संभाल, जेल से कैसे कर रहा है सोनू सरदार काम? जेल में है वो तो फिर काम कैसे कर रहा है? मोबाइल रखता है क्या जेल में? वो मोबाइल चलता है जेल में? चलता है जेल में, सही बता रहे हो, जेल में मोबाइल चलेगा ही। अधिकार है, कौन सा नंबर चलता है इसका नंबर भी लेना। और अभी रेड मारिए जेल में भी, और मोबाइल जब सर मेरे को मार डालेंगे जेल में। तुम तो वहीं जा रहे हो ना यार, तुम मोबाइल रहेगा तो बात करोगे ना मोबाइल में तुम उनसे? यार काम ऐसा कियो पिटाई का, वही जेलर को लिखें कि इनको सुरक्षा भी मुहैया कराएं जेल में, ठीक है? जेल में इनको सुरक्षा ही डालेंगे देख रहे होंगे उधर तो। हाँ हाँ जेल में मोबाइल पे कैदी लोग पूरा यूट्यूब पे देखते हैं पूरा, सही बात है। यूट्यूब में नहीं तो टीवी में, टीवी में देखते हैं।
मोबाइल भी रखते हैं, मोबाइल में उनका 3G 4G काम नहीं करता क्या? छोटा मोबाइल रहता है, मल्टीमीडिया केवल बात करने के लिए, और वो 24 घंटे बात करते हैं उसमें, कभी कभी बात करते हैं। तो रहे वो 9 महीने यार, क्या बात कर रहे हैं? जब जरूरत पड़ती है तब बात करते हैं। कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती क्या मोबाइल की? मोबाइल कौन उपलब्ध कराता है? मोबाइल कौन उपलब्ध कराता है जेल में? लेके जाते हैं ना वो लोग, रखते हैं छिपा के रखते हैं। छिपा के कहाँ, पता नहीं कहाँ रखते हैं। एक कैसे मिट्टी पे कहीं छिपाते होंगे? तो रहे हो ना 8 महीने। तुम भी तो बात किए होगे घर में। बात किया हूँ, मेरे को लाख पैसा में करवाता है बात। पैसा में बात होता है? कितना लगता है 1 मिनट का बात करने का? 1 महीने का तो महीने का 2000 लगता है बात करने का। अच्छी सर्विसेज है, 2000 रुपए बात करने का लगता है। और क्या क्या जगह पैसा लगता है? और क्या क्या जगह पैसा लगता है जेल में? तो बात करने का 2000 लगता है, और कोई खर्चा नहीं है? खाना पीना रहना सब फ्री है? खाना पीना कोई फ्री नहीं, सब पैसा, सब पैसा। क्यों, किसी का पैसा है? खाने पीने में क्या पैसा? पैसा लेते हैं ना सर। ऐसा तो तू पैसा जमा करके जाना फिर जी। पेटीएम करना पड़ता है ना उसके लिए। क्या करते हैं? पेटीएम, पैसा पेटीएम से। पैसा वसूली किसको किसको करते हो? किसको करते हो? किसको करते हो पता नहीं, किसके में जाता है बस इतना। कौन मांगता? कौन है मांगता? कौन है पैसा? मांगता कौन पैसा? किसको देते हो? किसको खरीदोगे जो मतलब? चलो कोई बात नहीं, तो बहुत एक्सपर्ट आदमी हो। एक बार राय तुम्हें दूसरी बार की जेल की में रहने के लिए पहले से अग्रिम शुभकामनाएं। जेल में तुम अच्छा होली मनाओ, रंगों की होली रहे तुम्हारे जेल में। जेल में होली वोली खेलते हो नहीं खेलते? अरे भाई बीवी प्रेगनेंट है तो इस तरह का काम ही नहीं करना चाहिए था ना। खत्म हो गया, 2 दिन हुए। नहीं अच्छी बात है ना, अभी जज साहब के पास पेश करेंगे, जज साहब को सारी कहानी सुनाना। देखो काम ऐसा करो ही नहीं कि जेल जाना पड़े, 8-9 महीने रह। तो अगली बार फिर निकलोगे तो फिर मत करना। क्या पता नहीं कितना लगा दी, इतना था ही नहीं। तो ये क्या ये भी ऊपर से गिरा क्या? आसमान से बारिश होती है वैसे ये भी गिरता है क्या ऊपर से? और सजा तो देखो बराबर है। पिछला भी दूसरा लगा था, मेरे में लगा दिए थे। ऐसा पिछली बार? पिछला भी दूसरे का साल था। ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। हाँ? मेरा कुछ नहीं था। अरे अभी तो तुम बोले नागपुर से लाया, अभी बोले नागपुर से लाया हो तुम। मेरा भी था मतलब पूरा ना। क्यों तो और किसका था बता दो? और किसका था? रहना शिवपाड़ा में। शिवपाड़ा में कौन कौन है बताओ? ये माल कितने लोग का था यार? ये माल कितने लोग का था? माल लोग 4 लोग का था। कौन 4 लोग? मैं, बबलू। बबलू? बबलू यादव। बबलू यादव और? बबलू यादव ये और? और एक और है। क्या नाम है? क्या नाम है? पोतन। चलो क्या पोतन? पोषण। पोषण पोषण। कोई बात नहीं, उन दोनों को भी तुम्हारे साथ जेल में भेज देंगे जिससे तुम्हारा आनंद रहे। जब चारों ने मिलके किया तो चौकी में ही काम करें। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाकी दोनों को भी इसके साथ भेजो। भगवान शंकर को तुमने शंकर नगर की जगह इसका नाम ब्राउन शुगर नगर रख देना चाहिए। क्यों भाई? उसका शंकर नगर का नाम ब्राउन शुगर नगर रख दे क्या? ये बहुत तेज है, बदमाश है सबसे। ये तो फिर भी क्या बोलूं, मैं पहले बार आया हूँ, पता ही नहीं है ABCD। ये इसकी आदत ही नहीं पढ़नी चाहिए थी ना भाई, ये ABCD सब पे एग्जाम है। और ये फादर दो और नाम बताया उसको भी पकड़ लेंगे, चिंता मत करो। तुम इसकी साहब का वीडियो नहीं देखे अभी तक? ये देखो वीडियो देखा फिर भी नहीं सुधरा। मेरा वीडियो देखे हो कभी? कहाँ पे? कहाँ पे देखे? फेसबुक पे देखे, यूट्यूब पे देखे, कहाँ देखे? जो पब्लिक ऐप में आता है पुलिस वाला कुछ में देखा? हाँ पब्लिक ऐप पे देखे। अपना नहीं देखा, तेरा तो खुद लिए थे साहब ही, तेरे को ही पकड़े थे ना साहब, पकड़े थे ना तो अपने। कहाँ पे? याद ही नहीं सर, एक बार आ चुका है सर, ये जब तक लेगा नहीं कुछ याद आएगा नहीं। पकड़ा थे 6 जून
6 जून तभी 8 महीने हो, मेरा भी टाइम हो गया है, याद दिला दिया 10 महीने हो गए मेरा भी। अभी निकले कब से बाहर? नागपुर कितने दिन गया? 1.5 महीने में। कितनी बार नागपुर गए हो 1.5 महीने में? दूसरा बार था। ये लोग सुधरेंगे नहीं। मैं सुधरूंगा सर। क्या सुधरोगे? मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिए। रिकॉर्ड देख लो सर, अब नहीं करूंगा। मैं पहले आदमी हो तो, लेकिन उस टाइम पीसी नहीं होता था। तेरे को जेलर जरूर सुधार दे। लेकिन इसे आप रेट लिफ्ट ले सकते हो जेल में। मेरे को दिक्कत ना, मारते बहुत। कैदी लोग लिख रहे हैं, सुरक्षा मोहल करा रहे हैं ना, जेलर लिखेंगे ना, लिख के देंगे उनको, ठीक है? मारते सर, नाम लिख के देना सब कैदी को, पहले समझा दूंगा, काउंसलिंग कर दूंगा उन कैदियों की। मारते क्यों है तुमको? कौन कौन मारेगा यार, उसका भी नाम मारते बता दिए ना, मारेंगे जो मारेंगे उनका भी नाम बता दिया। नहीं वहाँ पे मारेगा बता दिया तो मारेगा। सही बात है, मोबाइल सबका जब्त हो गया तो सब नाराज होंगे तुम्हारे ऊपर। नाराज होगा प्लस, और वो खाने पीने का पैसा लगता था, वो खाने पीने का पैसा भी नहीं लेंगे अब तो। डबल हो जाएगा। फ्लेवर मारेगा सीधा। हाँ क्या मारेगा? फ्लेवर। ये बोला फ्लाईओवर की फ्लेवर, क्या बोल रहे? हेलीकॉप्टर बना के मारेगा। दोनों इधर पीछे सब तरफ से मारते हैं। फ्लेवर डंडा आता है। अब मेन क्या बात है कि इसका मोबाइल जब्त हो गया बाकी लोगों का, तो इस पर तो बहुत टूट पड़ेंगे सब। क्यों? अब सबका मोबाइल पकड़ा जाएगा जेल में, सब नाराज होंगे तुम फिर। मार देगा सर, मार ही देगा लग रहा है मेरे। नहीं, इतना मत डरो तुम यार, मार देगा सर कोई नहीं। नहीं, लिख के देंगे, सुरक्षा मुहैया कराएंगे तुमको, करवा देंगे बिल्कुल। और खाने पीने का पैसा मत देना, बात कर लूंगा मैं, ठीक है? पैसा लेता है अब नहीं दे। अब से फ्री और क्या क्या मिलता है? फ्री अलग मिलता है, फ्री अलग। अच्छा, इसको अलग खाना, ऐसे वाला अलग है, इन लोगों को अलग डिमांड्स होती है ना। यहाँ रहूंगा नहीं मैं, यहाँ थोड़ी रहूंगा, तो जेल में रहूंगा। बीवी प्रेग्नेंट है तो इस तरह का काम ही नहीं करना चाहिए था ना। अब देख के डर नहीं लगा कि पकड़ा गया अभी छोड़ देना चाहिए? मैं जेल ही था सर। सर जेल में टीवी में देखे हो? अरे भाई, कितना लगता है एक मिनट का बात करने का? एक महीने का। महीने का 2000 लगता है बात करने का। और अभी रेड मारिए जेल में भी। मेरे को मार डालेंगे ना, मारेंगे अब। हो जाएगा, मारेगा सीधा। क्या बोल रहे? हेलीकॉप्टर बना के मारेगा। ये बहुत तेज है, बदमाश है, सबसे ठीक है। पहले बार आया हूँ, पता ही नहीं है। तो मैं दूसरी बार की जेल की में रहने के लिए पहले से अग्रिम शुभकामनाएं।